हे गाइस, आप देख सकते हो मैं अभी रेनु इमरजेंसी हॉस्पिटल में हूँ और मैं कुछ दिनों से एक भी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी नानी आईसीयू में एडमिट थी और आज हम लोग डिस्चार्ज करा रहे हैं। तबीयत और बद से बदतर होते जा रहा है और सुधार अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कल सुधार था, आज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और आज है वेडनेसडे। तो हम लोग जस्ट उन्हें डिस्चार्ज कराने के लिए यहाँ से आए हैं और जस्ट मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और हमें नहीं पता कि क्या होगा, बट हम लोग अभी डिस्चार्ज कराएंगे एंड अभी बस निकलने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं आप लोग को अपडेट दे दूँ कि मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं पापा के मोबाइल से ही मैं वीडियो बना रही हूँ, बस अभी मोबाइल भी नहीं है। हम लोग अभी बहुत परेशान हैं। करीब 3 दिन से मेरी नानी आईसीयू में है, बट कल सुधार हुआ था, बट आज बिल्कुल भी सुधार नहीं है। तो सब लोगों ने बोला नॉट पॉसिबल, तो हम लोग अभी घर लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो हम लोगों ने ये देखो हम लोगों ने ये सिलेंडर भी मंगवाया है, तो ये सिलेंडर भी हमारे साथ में ही जाएगा और एम्बुलेंस भी आ चुका है। और ऐसा है कि मैं नानी के वैसे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हुआ था, तो बस हम लोग को लेके जा रहे हैं। जस्ट प्रे फॉर माई नानी गाइस कि वो ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि सच में बता बहुत राहत मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं और अगर वो ठीक होती है तो ज़रूर मैं आप लोग को उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। सो गाइस जस्ट लेट्स प्रे फॉर माई नानी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो गाइस बस इतना ही सब अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मुझे नहीं पता है मैं ये वीडियो कब डाल पाऊंगी या नहीं डाल पाऊंगी, मुझे नहीं पता है। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ में ऐसे अपडेट दे दूं कि मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही हूं। और यहां पे मेरी बहन खड़ी है और यहां पे मेरे पापा मम्मी बैठे हैं और अंदर डिस्चार्ज का जो भी प्रोसेस होता है मेरे मामू मेरे हस्बैंड सब लोग मिलकर कर रहे हैं। सो गाइस जस्ट प्रे फॉर माई नानी कि वो जल्दी जल्द ठीक हो जाए और हमें पॉजिटिव सुनने को मिले कि सब ठीक है। और ठीक है गाइस, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ एंड जस्ट प्रे फॉर माई नानी गाइस कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो जस्ट हम लोग हॉस्पिटल से अभी निकल रहे हैं। ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ और प्लीज़ आप लोग सब प्रे करना मेरी नानी माँ के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।